बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन बरहक है, चाहे कोई माने या ना माने। तो आइए जानते हैं आज की इस ख़ास वीडियो में क़यामत की ऐसी हैरत अंगेज़ निशानी जो पूरी हो चुकी है, और क़यामत की ये निशानी देखकर क़यामत बिल्कुल करीब ही दिखाई देती है। हज़रत उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर एक साहिब ने दरियाफ्त किया कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और तुम इस मामले में बराबर है, यानी इसका जैसे तुम्हें मालूम नहीं मुझे भी इल्म नहीं। उन साहिब ने अर्ज़ किया तो उसकी निशानियाँ ही बता दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, उसकी बाज़ निशानियाँ ये है कि औरतें ऐसी लड़कियाँ जनने लगें जो उन पर हुक्म चलाए, और तुम देखोगे कि नंगे पैर और नंगे बदन वाले तंग दस्त और बकरियाँ चराने वाले मकानात की बुलंदी पर फ़ख्र करेंगे। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के अल्फाज है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नंगे पैर और नंगे बदन वालों गुंगो बहरों को ज़मीन का बादशाह देखो, उस वक्त क़यामत करीब होगी। मकानात की बुलंदी पर फ़ख्र करना और ऐसी औलाद का पैदा हो जाना जो वालिदैन पर हुक्म चलाए, इस दौर में हूबहू मौजूद है। जो अहले सुरूवत और सरमायादार है वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, मगर जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं, वो भी पेट काट काट कर और कर्ज ले लेकर अपने घरों की इमारत ऊंची बनाने की फ़िक्र में रहते हैं। जहां इंसान के और औसाफ़ की तारीफ़ की जाती है, वहां उम्दा मकान, बैठक और बंगले का मालिक होना भी ज़बान पर आ जाता है। नंगे बदन और नंगे पैर वाले बादशाह तो अभी मौजूद नहीं हुए, आइंदा ज़रूर होंगे, जैसा कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। अल्बत्ता ऐसे हुक्मरान इस वक्त भी मौजूद है जिन्हें गूंगा और बहरा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनमें न हक सुनने की सलाहियत है न हक कहने की काबिलियत है। उनके मुखालिफ अखबार और लीडर उनको हक पर लाने की बहुत काफ़ी कोशिश करते हैं, मजामीन और आर्टिकल लिखकर भी झंझोड़ते हैं, मगर गवर्नर हो या वज़रा या नीचे के हुक्मरान हो, अपनी कजरवी को छोड़ने के लिए ज़रा टस से मस नहीं होते। उनकी गोयाई का ये आलम है कि तकारीर और बयानों में इस कदर साफ और सरीह झूठ बोलते हैं कि न्यूज़पेपर उनके झूठ की दाद देते देते तक जाते हैं, और आवाम के दिलों से अपने हुक्मरानों की बात का एतमाद उठता चला जाता है। फिर नाअहल इस कदर है कि जो महकमा उनके सुपुर्द किया जाता है, वज़ीर और गवर्नर हैं और हज़ारों रुपए की तनख्वाह बटोरने के शौक़ में उसे कबूल तो कर लेते हैं, मगर महकमा की जिम्मेदारियों को पूरी तरह अंजाम देने से कासिर रहते हैं। बुखारी शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक देहाती ने सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अमानतदारी जाती रहे तो क़यामत का इंतज़ार करना। साहिल ने दोबारा दरियाफ्त किया कि अमानतदारी कैसे ज़ाया होगी। इरशाद फरमाया, जब ओहदे नाअहलों के सुपुर्द कर दिए जाए, जैसे सदारत, क़यादत, हुकूमत, वजारत, तदरीस, इमामत, खिताबत, इफ्ता वगैरह, तो क़यामत का इंतज़ार करना, यानी जब ऐसा होगा तो अमानतदारी भी ज़ाया कर दी जाएगी। इस इरशाद से मालूम हुआ कि नालायक हुक्मरानों के अलावा दूसरे ओहदों पर फायज़ होने वाले भी नाअहल होंगे। चुनांचे आजकल मौजूद है मुल्हिद, फासिक, बखील, बदकार और बदअख्लाक लोग बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ है। मिंबरान पार्लियामेंट इस कदर नाअहल हैं कि मामूली मामूली बातों पर बहस करते करते हफ्तों गुजर जाते हैं और किसी अच्छे नतीजे पर नहीं पहुंचते। जो लोग मुअज्ज़ज़ और अहले अक़ल समझे जाते हैं,
दौलत और सुरूवत की वजह से उन्हें बड़ा आदमी कहा जाता है। उनके अफ़ाल व किरदार बसौकात अखबारात में शाया होते हैं तो मालूम होता है कि इस दौर के बड़ों की बदकिरदारी किस दर्जा बढ़ी हुई है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादी ग्रामी, उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक दुनिया का सबसे ज़्यादा हिस्सा ऐसे शख्स को न मिल जाए जो ख़ुद भी कमीना होगा और उसका बाप भी कमीना होगा। जल्द ही दुनिया पर सादिक आने वाला है। इस वक्त इंसानों में बुलंद अखलाक वाले इंसान बहुत ही कम है। और वो वक्त मौजूद है जिसका बुखारी शरीफ में ज़िक्र है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग यके बाद दिगरे ख़त्म होते जाएंगे और बेकार लोग रह जाएंगे, जैसे रद्दी जो या खजूर का कोड़ा रह जाता है, खुदा उनकी ज़रा भी परवाह नहीं करेगा। तिर्मिज़ी शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक तुम अपने इमाम यानी बादशाह को कत्ल न कर दो और तलवारें लेकर आपस में न लड़ लो और दुनिया के वारिस शरीर लोग न बन जाएं।